अक्षय सर कैसे हैं आप? मैं तो टैलेंटेड हूँ, तुम अपना बताओ। सर आते ही ह्यूमर मारना शुरू कर दिया आपने तो। अब भाई जिसको जो आता है वो वही करेगा ना। तुम्हें इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तुम एक्टिंग ढंग से नहीं करती, मैं ह्यूमर अच्छा करता हूँ। ऐसा नहीं है सर, मैंने कितनी कोशिश करी अच्छी एक्टिंग करने की, आप नहीं जानते। मैं क्या बेटा, कोई नहीं जानता कि तुमने कब कोशिश करी है। मैंने तुम्हें 2 बार चांस दिया अपनी मूवी में ये सोच के कि अनिल की बेटी हो, लेकिन तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से फ्लॉप होते होते रह गई बस वो। सर ये क्या बात हुई, इतनी मूवीज करने के बाद भी लोग मुझे अनिल की बेटी बोलते हैं, और अब शादी कर ली तो आनंद की बीवी कहते हैं। मेरी खुद की कोई पहचान है या नहीं? बेटा शादी के बाद भी तुम्हें आनंद की बीवी नहीं, बल्कि आनंद को अनिल की बेटी का पति कहते हैं। मानना पड़ेगा, अपने जैसे से शादी करी है जिसे कोई नहीं जानता। सर एक तो वैसे ही इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चल रहा है, और ऊपर से आप हो अपने ह्यूमर में मुझे सुनाए ही जा रहे हो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था, जब तुम अनटैलेंटेड की वजह से टैलेंटेड लोगों का काम छुप जाता है, और जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाते। तो सर आप ही बताओ क्या करूँ मैं, वेट कम करके देख लिया, फैशन सेंस ठीक करके देख लिया, सब तो करके देख लिया, अब नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ मैं? सब करके देखा लेकिन वही नहीं करा जो करना चाहिए था, अच्छी एक्टिंग की कोशिश। नेपोटिज्म फैलाने से अच्छा है अच्छी एक्टिंग करो, ताकि लोग तुम्हें खुद लें जैसे आलिया को लेते हैं। सर सबको लगता है मैंने शादी करी उस वजह से मैंने ब्रेक लिया है मूवी से, बल्कि कोई नहीं जानता कि मेरे पास काम ही नहीं है। अब नेपोटिज्म की डिबेट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है, आप दिलवा दो काम अपनी मूवीज में, आप तो साल में 4 मूवीज करते हो। मूवी में ले तो लूंगा, लेकिन देवी जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक्टिंग करना, ओवर एक्टिंग नहीं। कोरोना पे मूवी बना रहा हूँ, उसमें एक रोल दिलवा दूंगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल, बल्कि कोरोना पे तो मैंने एक अच्छा सा स्लोगन भी सुना था, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर यूज करना अपनी मूवी में। बाहर घूमने की खुशी उसमें आ गया कोरोना का गम, चलो घर बैठे बैठे करे कोरोना का किस्सा खत्म।